जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको अवकलन चैप्टर है, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसकी प्रैक्टिस से डिस्कस करते हैं। तो पहले जो बच्चे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते भी होंगे कि पहले आप क्या करते हैं, ये जो 10 क्वेश्चन हैं आप वीडियो को रोक लीजिएगा, कोशिश करना कि इसे 4 से 5 मिनट के अंदर हर हालत में ये दिए गए 10 प्रश्नों को आप हल कर लें। उसके बाद आप वीडियो को पहले रोक लीजिए और हल करिएगा, फिर आप देखिएगा कि मैंने कैसे इन प्रश्नों का सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आप अपने आंसर का मिलान कर। तो आइए बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने प्रश्न लगा लिए होंगे। अब पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है यदि y बराबर 5 की पावर 10x है तो dy dx की वैल्यू x बराबर पाई बाई 4 पर आपको पता लगानी है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है जो 5 ये है a की पावर x के जैसा ये लिखा हुआ है टर्म हमारे पास। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, a की पावर x होता है और साथ में log a आता है। चूंकि यहां पर a की जगह पर 5 था तो मैंने 5 लिखा, तो a की पावर x log a। लेकिन जो x नहीं है, जैसे यहां पर देखा आपने 10x, तो ये x के जैसा है, x नहीं है, तो जो x के जैसा होता है उसको डिफरेंशिएट करके गुणा कर देते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x और आपने इसका गुणा कर दिया। अब प्यारे बच्चों, रिजल्ट ये भी नहीं है, x की जगह पर लिखा हुआ है पाई बाई 4। चलिए हम x के प्लेस पे पाई बाई 4 रख देते हैं। आपने यहां पर रखा तो 10 45 की वैल्यू हो गई 1, आगे आया log 5 into sec 45। sec 45 की वैल्यू cos 45 को पलट देंगे तो मिल जाएगी, cos 45 की वैल्यू होती 1/√2। जब आपने उसको पलटा तो मिल गई √2, तो sec 45 की वैल्यू होगी √2। अब चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, यहां पर हो गया 2, 5 2 जा हो गया 10, 10 log 5। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ रहा है 10 log 5, जो कि सी वाले विकल्प में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है वाई बराबर ई की पावर पर 1 + log x बेस ई, तो dy dx की वैल्यू क्या होगी। आइए इसको भी देख लेते हैं। यहां पर बेटा ई की पावर पर जो लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो आपने ई की पावर 1 लिखा और ई की पावर पर log x और बेस में ई। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे ई की पावर पर लिखा है log x और बेस में भी ई है, e की पावर पर भी था और log में बेस भी, तो दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये e है और यहां पर क्या आ गया, केवल x मिल रहा है। तो हमारा जो प्रश्न हो गया डियर स्टूडेंट्स, वो हो गया y बराबर ex। अब आपको क्या कहा गया था, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए भाई इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex में e तो कांस्टेंट हो गया, ये बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, हमारा रिजल्ट आ गया यहां पर e। यहां पर ई है हमारा पहला वाला विकल्प, सही है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इधर रफ करके आपको आगे डिस्कस कर देता हूं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है वाई बराबर 1 + 1/x + 1/x² एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक है। कह रहे मोड एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और dy dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो इनफाइनाइट तक सीरीज लिखी है बेटा, ये है जीपी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अगर हम इसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों तक का योगफल का फार्मूला लगा दें और उसके बाद इसे सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ था y is equal to, अब ये जो बेटा लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये जीपी में अनंत पदों का योगफल है, इसका फार्मूला होता है इस इनफाइनाइट का a/(1 - r)। ठीक है, a की जगह पर है 1 और r की जगह पर क्या होता है बेटा, r निकालते कैसे है, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 1/x। यहां पर हमने लिखा 1/x, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x - 1/x, x ऊपर चला जाएगा, x/(x - 1)। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy dx इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, इसका हो गया 1, ये 0, तो ये 1 अपॉन में आ जाते हैं सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखते हैं और कैसे क्या हो रहा है। यहां पर बेटा x - 1 और x ये कैंसिल हो गया, -1/(x - 1)² ठीक है बच्चों, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो आ रहा ऑप्शन आ रहा है इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि x - 1 हमें कैसे मिलना है। तो देखिए बेटा ऊपर लिखा हुआ था y = x/(x - 1), ठीक है, अब क्या करते हैं इस x को हम यहां भेज देते हैं, तो ये y/(x = x - 1)। तो प्यारे बच्चों x - 1 की जगह y/x लिख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। यहां पर ये माइनस का साइन था, ये लगा दिया और इसको हटा करके चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया y² / x²
ये हमारा रिजल्ट आ गया और ये बेटा हमें मिल रहा है चौथे वाले डी वाले विकल्प में। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। आपको प्यारे बच्चों ये बात पता होगी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इसकी जगह पर हो गया वन, और वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, यानी कि हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम फाइव देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि एक्स वाई बराबर वन हो तो dy अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस y की पावर 4 प्लस dx अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है xy is equal to 1, अगर हम इसे y is equal to लिखें तो ये x डिवाइड में चला जाएगा, y के प्लेस पर 1 by x। एक काम और कर लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy dx is equal to 1 upon x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 by x स्क्वायर आ जाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब एक काम करते हैं, इस dx को इधर भेज देते हैं, तो dy is equal to minus dx upon में x square हुआ, हमने इसे इक्वेशन नंबर दो कह दिया। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं। आइए देखते हैं, dy की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं माइनस का dx upon में x square। ठीक है, रूट में आ जाते हैं 1 प्लस y की पावर 4, y की जगह 1 upon x है और पावर चूंकि यहां पर 4 है तो 1 upon x की पावर 4 प्लस dx अपॉन रूट के अंदर है 1 प्लस x की पावर 4। ठीक है बच्चों, माइनस dx अपॉन यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन में जाते हैं, यहां पर ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो रूट से खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस dx अपॉन रूट के अंदर, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, x की पावर 4 प्लस 1 लिख लो, ये इससे कैंसिल हुआ, जो ये लिखा हुआ है वही सेम है, बस ये माइनस में और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स वो है जीरो, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा अच्छे से, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम सिक्स देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले तो एक बात हम समझ लेते हैं कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा, आप देखेंगे इस फॉर्मूले को, तो यहां पर x है, यहां पर 3x है, अगर हम इस x की जगह पर x by 3 ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखना बेटा, हम x के स्थान पर x by 3 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 cos इनवर्स x by 3 is equal to cos इनवर्स इस x के प्लेस पर x by 3, तो ये बेटा हो गया x की पावर 3 और 3 की पावर 3 होगा तो ये हो गया 27 माइनस 3 इस x की जगह पर x by 3, ये 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए क्या मिल रहा है, cos इनवर्स 4x³ - 27 माइनस का x मिल रहा है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 cos इनवर्स 3x by 3, चलिए रख देते हैं, तो डिफरेंशिएशन, अब हमने इसको हटा करके उसके प्लेस पे ये लिखा, तो ये लिखा जा रहा है डिफरेंशिएशन 3 cos इनवर्स x by 3। अब आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, आप इसको बाहर ले आए तो 3 बाहर ले आए तो क्या मिला, डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स बाई 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, इस पूरे को एक्स कहेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्या होगा, आपने एक्स बाई 3 को एक्स कहा है नहीं, x by 3 को ही हमने x कहा है, तो हम जिसको x कहते हैं उसको differentiate करके गुणा करते हैं, x by 3 का differentiation क्या होगा 1 by 3, ये 3 से 3 cancel हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ना है तो क्या होगा, 9 minus x square upon 9, root 9 पे भी आएगा तो पलट करके वो 9 का हो जाएगा square root 3, तो हो गया minus का 3 upon root के अंदर 9 minus x square, ये हमारा result आ रहा है और ये result हमको मिल रहा है हमारे C वाले option में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है यहां पर है y is equal to f x square plus 1, ये लिखा हुआ है और कह रहे हैं f dash x की वैल्यू sin x square है तो dy dx क्या होगा। पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिखा हुआ है y is equal to f x square plus 1,
हम इसको डी वाई डी एक्स पाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये प्राप्त हो गया एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बच्चों, इसको हम एक्स के जैसा कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्स अब जिसको हमने एक्स माना इसको डिफ्रेंशिएट करके गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया टू एक्स, एक्स टू एक्स का एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स और वन के लिए जीरो, तो ये रिजल्ट मिल रहा है। अब आगे बढ़ते अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी कहे क्या रहे हैं, कहे ये रहे हैं कि जो एफ डैश है एफ डैश एक्स वो साइन एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स की जगह पर ये रखेंगे ऐसे, इसको ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने क्या करा, एक्स की जगह पर ये रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इस एक्स की जगह पर स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा देंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिखा स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया। अब आप इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दोगे साथ में टू एक्स, बस आपका रिजल्ट है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, तो केवल 2x तो ये नहीं हो रहा है, 2x sin 1 plus x नहीं है क्योंकि हमारा sin x square plus 1 आ रहा है, x square plus 1 के ऊपर भी square है, यानी कि हमारा D वाला option सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है sec inverse x का cosec inverse x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो देखिए sec inverse x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन x, रूट के अंदर x square minus 1, फिर कोसेक इनवर्स एक्स के सापेक्ष तो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करा देंगे, तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को भी डिस्कस, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट की मदद से आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। अरे बच्चों शॉर्टकट ये है, यदि y इज इक्वल टू रूट के अंदर एफ एक्स प्लस, फिर रूट के अंदर एफ एक्स प्लस, और यही क्रम हमारा रूट के अंदर एफ एक्स ये आता जाए इनफाइनाइट तक। तो प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना। आइए देखते अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy dx लिखा इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by x, नीचे 2y minus 1 था, इस x को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो गया x dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y minus 1। हमसे x dy dx की वैल्यू पूछी गई थी 1 अपॉन 2y minus 1, ये हमारा हो गया d वाला ऑप्शन से। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये हमसे कहा गया, अगला इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपसे कह रहे हैं इसका अवकलन आपको क्या ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, यह है कॉट इनवर्स 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 3 एक्स माइनस एक्स क्यूब, आपसे कहा गया है कि इसको डिफरेंशिएट करो इसके सापेक्ष। तो प्यारे बच्चों ये जो लिखा है ये है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, और ये अब आप इसको जब पलट दोगे तो cot इनवर्स से क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो बेटा ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। प्यारे बच्चों अब आपसे कह रहे हैं 2 tan इनवर्स x को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो मैंने पहले ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, आप जब मेरे लेक्चर्स देखेंगे आप मेरे, तो मैंने कहा था जैसे इसका देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं हो जाएगा, तो यहां पर क्या ये कांस्टेंट बचेगा, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन तो सेम कैंसिल, तो ऊपर तो कांस्टेंट से दो और नीचे क्या है ये तीन आ जाएगा, तो हमारा 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/3 यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप साफ साफ नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया हो आप वीडियो को वापस ले जाकर के उस क्वेश्चन को वापस देखिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों हम ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये समझाए गए 10 प्रश्न अच्छे से आ गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे कहिए वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके। तो चलिए बच्चों एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद।